हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द नेक्स्ट लेवल में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम परीक्षा में पूछे गए और संभावित सामान्य ज्ञान के प्रश्न लेकर के आए हैं। ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में भी पूछे गए हैं और इसके पूछे जाने की संभावना भी आपके आगे आने वाले परीक्षाओं में बहुत ज़्यादा है। अप्रॉक्स 50 क्वेश्चन है इसमें, साथ ही साथ हम इसको डील भी करेंगे ताकि इससे रिलेटेड अगर कोई और भी क्वेश्चन बनता है तो उसे आप भी सॉल्व कर सकें। तो चलिए ज़्यादा समय न लगाते हुए क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं। MCQ बेस्ड में क्वेश्चन बनाया हुआ है तो आप इसे साथ ही साथ आंसर भी करते चलेंगे। पहला क्वेश्चन है कि मौर्य साम्राज्य में सर्वप्रथम किस शासक की राजधानी पाटलिपुत्र थी? ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, बिंदुसार और बिंबिसार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन नंबर ए। मौर्य साम्राज्य की जो स्थापना है ये चंद्रगुप्त मौर्य ने ही करी थी 322 ईसा पूर्व में, 322 ईसा पूर्व में, और ये कुल 137 सालों तक ये साम्राज्य चला था और 185 BC में यानी कि 185 ईसा पूर्व में इसके अंतिम राजा बृहद्रथ को इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने मार दिया था और शुंग वंश की स्थापना की थी। चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र का नाम बिंदुसार था और बिंदुसार का पुत्र था अशोक, जो कि मौर्य साम्राज्य का सबसे प्रतापी राजा हुआ था। चलिए देखते हैं आगे अगला क्वेश्चन, मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है आपके सामने 10 जनवरी, 10 दिसंबर, 10 फरवरी और 10 मार्च। तो ये 10 दिसंबर को मनाया जाता है प्रतिवर्ष और ये 1948 से शुरू किया गया है मनाना, ये भी आपको याद रखना है। चलिए देखते हैं आगे अगला क्वेश्चन, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली दूसरी भारतीय महिला कौन है? ऑप्शन है बछेंद्री पाल, मालवथा पूर्णा, संतोष यादव या फिर शिवांगी पाठक। तो ये थे संतोष यादव, संतोष यादव दूसरी भारतीय महिला थी और ये लगातार 2 बार चढ़ी थी माउंट एवरेस्ट पे। बछेंद्री पाल पहली भारतीय महिला थी जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी थी। माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाले प्रथम पुरुष जो थे या फिर प्रथम व्यक्ति आप कह लें तो एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नॉर्गे थे। एडमंड हिलेरी न्यूजीलैंड के थे और तेंजिंग नॉर्गे ये इंडियन थे। ये दोनों ही चढ़े थे पहली बार एवरेस्ट पे। और सबसे पहले अगर हम महिला की बात करें पूरे विश्व में तो वो जिंको तबई थी, जिंको तबई जो चढ़ी थी, पहली महिला भारत की थी बछेंद्री पाल। और अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा बार एवरेस्ट पे चढ़ने की तो वो पुरुष हैं कीमा रीटा शेरपा। ये 22 बार चढ़ चुके हैं अभी तक कुल ये 22 बार माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई कर चुके हैं। चलिए देखते हैं आगे अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? ऑप्शन है सरोजनी नायडू, एनी बेसेंट, इंदिरा गांधी और सोनिया गांधी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सरोजनी नायडू। अगर हम कांग्रेस अध्यक्ष की बात करें तो पहले कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे, आपको पता होना चाहिए कि कांग्रेस की स्थापना A.O. ह्यूम ने करी थी और इसके पहले अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी बने थे। अगर पहले गैर हिंदू पूछ ली जाए तो वो बने थे दादा भाई नेहरोजी जो कि एक पारसी थे, और पहले मुस्लिम बने थे बदरुद्दीन तैयब जी, और पहले अंग्रेज बने थे जॉर्ज यूले, और ये लगातार से चारों यही हैं। यानी कि पहले व्योमेश चंद्र बनर्जी बने थे, फिर दूसरे नंबर दादा भाई नौरोजी, तीसरे नंबर के थे बदरुद्दीन तैयब जी और चौथे नंबर के थे जॉर्ज यूले, ये आपको पता होना चाहिए। फिर पहली महिला जो बनी थी वो एनी बेसेंट बनी थी लेकिन ये भारतीय नहीं थी, और पहली भारतीय बनी थी कौन? सरोजनी नायडू। चलिए देखते हैं आगे अगला क्वेश्चन, सोमनाथ मंदिर को किस आक्रमणकारी ने ध्वस्त कर दिया था? तो ये किसने किया था? मोहम्मद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पे आक्रमण किया था और इसे पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया था ये। और मोहम्मद गौरी जो यहाँ पे आप ऑप्शन में देख रहे हैं, इसके साथ मोहम्मद गौरी के साथ पृथ्वीराज चौहान का 2 बार तराइन की फाइट हो चुकी है जिसमें एक बार मोहम्मद गौरी हार गया था और दूसरी बार मोहम्मद गौरी जीता था। और उसके बाद इसने गुलाम वंश की भी स्थापना की थी, गुलाम वंश इसने पीछे छोड़ गया था ये। चलिए देखते हैं आगे अगला क्वेश्चन, दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे? ऑप्शन है राज कपूर, पृथ्वीराज कपूर, देविका रानी और सत्यजीत रे। तो ये पहले व्यक्ति थे देविका रानी रोरिक, इनका पूरा नाम है देविका रानी रोरिक। दादा साहब फाल्के पुरस्कार की
अगर बात करें तो ये 1969 से दिया जा रहा है और 1969 में ही देविका रानी को ये अवार्ड मिला था। वर्ष 2018 में ये विनोद खन्ना को दिया गया था और ये जो है दादा साहब पुरस्कार ये फिल्म में सबसे सर्वोच्च पुरस्कार है, फिल्म में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार यानी कि पूरा जीवन फिल्म में देने के लिए ये पुरस्कार दिया जाता है। और दादा साहब जो नाम है ये नाम है जो उस डायरेक्टर का जिसने सबसे पहली बार भारतीय फिल्म का निर्माण किया था 1913 में, राजा हरिश्चंद्र। आगे देखते हैं, रेलवे ब्रॉडगेज की दो पटरियों के बीच की चौड़ाई कितनी होती है? 1.675, 1.750, 1.230 या 1.510। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1.675। चलिए देखते हैं आगे, अगला क्वेश्चन, भारत द्वारा प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह कौन सा था? ऑप्शन है आर्यभट्ट, वानभट्ट, अप्सरा और चंद्रयान प्रथम। तो ये था आर्यभट्ट। आर्यभट्ट, आर्यभट्ट को हमने 19 अप्रैल 1975 को भेजा था और ये USSR की मदद से भेजा गया था और इसे बनाया था इसरो ने। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि आर्यभट्ट में कौन सा रॉकेट यूज किया गया था, तो याद रखें कॉस्मॉस 3M, कॉस्मॉस 3M रॉकेट इसमें यूज किया गया था। चलिए देखते हैं आगे, अगला क्वेश्चन, गीत गोविंद के रचयिता कौन है? ऑप्शन है अंगद देव, जयदेव, चंद्रवरदाई और कल्हन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जयदेव। जयदेव ने ही इसकी रचना की थी, ये उड़ीसा के रहने वाले थे, ये भी आप याद रखें। नेक्स्ट है, नेशनल डिफेंस एकेडमी भारत में कहाँ स्थित है? ऑप्शन है पिलानी, खड़गवासला, कासरगोर, रुड़की। इसका सही आंसर हो जाएगा खड़गवासला। खड़गवासला कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। इसकी जो स्थापना हुई थी वो 7 दिसंबर 1954 को हुई थी, 7 दिसंबर 1954 को, और इसका आदर्श वाक्य है सेवा परमो धर्मा, याद रखें, इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? ऑप्शन है हीराकुंड बांध, टिहरी बांध, सरदार सरोवर बांध या फिर नाथपा झाकड़ी बांध। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध उड़ीसा में है और यह महानदी पर बना हुआ है और यह 1957 में बना था। दूसरे नंबर पे, दूसरे ऑप्शन पे जो टिहरी बांध है ये भारत का सबसे ऊंचा बांध है और ये भागीरथी और भीलांगना नदी के संगम पे बनाया गया है, उत्तराखंड में है। सरदार सरोवर बांध गुजरात में है, नर्मदा नदी पे बनाया गया है और नाथपा झाकरी बांध जो है यह सतलुज नदी पर हिमाचल प्रदेश में है। चलिए देखते हैं आगे, अगला क्वेश्चन, फतेहपुर सिकरी का निर्माण किसने कराया था? ऑप्शन है बाबर, हुमायूं, अकबर और शाहजहां। तो इसका निर्माण अकबर ने करवाया था 1569 ईस्वी में और ये यूपी में पड़ता है। चलिए देखते हैं आगे, अगला क्वेश्चन, चंद्रमा की सतह पर उतरने वाला प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन था? चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम व्यक्ति पूछा गया, चंद्रमा की सतह पर उतरने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? ऑप्शन है राकेश शर्मा, नील आर्मस्ट्रांग, सुनीता विलियम्स और कल्पना चावला। तो प्रथम व्यक्ति थे नील आर्मस्ट्रांग, 1969 में ये इस यात्रा पर गए थे। अगर पहले भारतीय पूछ लिया जाए तो ये राकेश शर्मा थे, ये गए थे 3 अप्रैल 1984 को, ये गए थे हरियाणा के, राकेश शर्मा रहने वाले थे और नील आर्मस्ट्रांग अमेरिका देश के निवासी थे। चलिए देखते हैं आगे, अगला क्वेश्चन, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह नारा किसने दिया था? ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री। तो ये नारा दिया था बाल गंगाधर तिलक ने। चलिए देखते हैं आगे, अगला क्वेश्चन, हरिजन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था या हरिजन शब्द किसने दिया था? ऑप्शन है महात्मा गांधी, भीमराव अंबेडकर, विपिन चंद्र पाल या लाला हरदयाल। तो ये महात्मा गांधी ने इस शब्द का प्रयोग किया था, हरिजन। चलिए देखते हैं आगे, अगला क्वेश्चन कि भारत की पूर्णतः रंगीन फिल्म कौन सी थी? भारत की पूर्णतः रंगीन फिल्म कौन सी थी? ऑप्शन है झांसी की रानी, आलम आरा, राजा हरिश्चंद्र या फिर मुगले आजम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा झांसी की रानी। झांसी की रानी आपको अंग्रेजी में बहुत बार इस तरह से पूछा जाता है कि भारत की प्रथम टेक्नीकलर फिल्म कौन सी थी, टेक्नीकलर फिल्म, तो ये झांसी की रानी थी। ये 1953 में रिलीज़ हुई थी, 1953
थ्री में, और ये पूरी तरह से रंगीन फिल्म थी। आलम आरा जो है ये भारत की प्रथम बोलती फिल्म थी, यानी कि सबसे 1931 में इसे रिलीज़ किया गया था, और ये पहली मूवी थी जिसमें साउंड था। और पहला मूवी जो भारत का आया था राजा हरिश्चंद्र 1913 में, इसमें साउंड नहीं था, ये मुख फिल्म थी, साइलेंट मूवी थी। चले देखते हैं आगे अगला क्वेश्चन। लोकसभा में चुनाव लड़ने के इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी वर्ष होनी चाहिए? ऑप्शन है 35 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष या फिर 18 वर्ष। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 25 वर्ष। लोकसभा में अगर चुनाव लड़ने के इच्छुक व्यक्ति हैं तो उन्हें न्यूनतम आयु 25 वर्ष उनका होना जरूरी है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों ही बनने के लिए 35 साल की आयु मिनिमम होनी चाहिए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। सिनेबार किसका प्रमुख अयस्क है? ऑप्शन है पारा का, यूरेनियम का, टाइटेनियम का या फिर थोरियम का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये पारे का अयस्क है। सिनेबार जो है ये पारा का अयस्क है। यहाँ पे आप यूरेनियम देख पा रहे हैं, तो यूरेनियम जो है ये इल्मेनाइट और यूरेनियम जो है ये पिच ब्लेंड और कार्नेटाइट का अयस्क है। यूरेनियम पिच ब्लेंड और कार्नेटाइट का अयस्क है। वहीं टाइटेनियम जो है ये इल्मेनाइट और रूटाइल इसका अयस्क है। यूरेनियम का अयस्क है पिच ब्लेंड, कार्नेटाइट, टाइटेनियम का अयस्क है इल्मेनाइट और रूटाइल। वहीं थोरियम जो कि भारत में बहुत ज़्यादा पाया जाता है, ये मोनांजाइट है इसका प्रमुख अयस्क। चलो देखते हैं आगे अगला क्वेश्चन। रतौंधी किसकी कमी के कारण होता है? ऑप्शन है विटामिन ए, बी, सी या फिर डी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विटामिन ए, जिसे सबसे ज़्यादा विटामिन ए अगर आपसे पूछा जाए तो पके हुए आम में, पके हुए पपीते में पाया जाता है, गाजर में भी पाया जाता है। और एक और पता होना चाहिए कि विटामिन बी और विटामिन सी जो है ये जल में घुलनशील होता है। विटामिन बी और विटामिन सी जल में घुलनशील होता है। विटामिन सी की कमी के कारण स्कर्वी रोग हो जाता है, और विटामिन डी के कमी के कारण रिकेट्स रोग हो जाता है। बी के बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं, B1, B2, B3, B5 इस तरह से, तो इसीलिए बी डायरेक्ट बी से कोई रोग नहीं होता है। आगे देखते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में अनुवांशिक सूचना का स्थानांतरण पूरा कैसे किया जाता है? ऑप्शन है डीएनए द्वारा, आरएनए द्वारा, खून के द्वारा या कोशिकाओं के द्वारा। इसका सही आंसर हो जाएगा डीएनए के द्वारा। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में अनुवांशिक सूचना का जो स्थानांतरण है ये डीएनए के द्वारा किया जाता है, डीएनए, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है डीएनए का, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। वहीं एक होता है आरएनए, तो आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड, याद रखें, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, किस कारण से ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं? ऑप्शन है खिंचाव बल के कारण, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, घर्षण बल के कारण या गति के कारण। इसका सही आंसर हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, जिसकी खोज न्यूटन ने करी थी, आपको पता होना चाहिए। आगे है, पौधे श्वसन कहाँ से करते हैं? ऑप्शन है जड़ों से, टहनियों से, पत्तियों से या फूलों से। इसका सही आंसर हो जाएगा पत्तियों से करते हैं, और सूर्य की उपस्थिति में ये भोजन भी बनाते हैं। सूर्य की उपस्थिति में पत्तियां जो हैं ये भोजन बनाते हैं। इसमें क्लोरोफिल यानी कि हरित लवक नाम का तत्व होता है, जिसमें मैग्नीशियम होता है। क्या होता है? मैग्नीशियम, और इसी के कारण इसका रंग भी हरा दिखाई देता है। चलिए देखते हैं आगे। वहीं पौधों में पूछ लिया जाता है कभी कभी कि पौधे जल कहाँ से ग्रहण करते हैं, तो जल वो जाइलम से ग्रहण करते हैं, और खाना जो है वो फ्लोएम से ग्रहण करते हैं। आगे देखते हैं, गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या फिर हीलियम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हीलियम। गुब्बारे में हीलियम गैस भरी जाती है। वो कौन सा गुब्बारा? जो गुब्बारा आकाश में उड़ते रहता है। और हीलियम गैस क्यों भरी जाती है? क्योंकि यह हल्की गैस होती है, इससे भी हल्की होती है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन सबसे हल्की गैस होती है, लेकिन हम हाइड्रोजन ना भर के हीलियम भरते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन जो है ये डायरेक्टली अवेलेबल नहीं होता है, हाइड्रोजन डायरेक्टली अवेलेबल नहीं है हमारे अर्थ के सरफेस पे, तो इसीलिए हम हीलियम भरते हैं, जो कि ईजिली अवेलेबल है और सस्ता भी होता है ये। अगर हम हाइड्रोजन भरेंगे तो वो काफ़ी महंगा हो जाएगा। चलो देखते हैं आगे अगला क्वेश्चन। स्त्रियों और बच्चों की आवाज़ तीखी होती है, इसका क्या कारण है?
स्त्रियों और बच्चों की आवाज़ तीखी होती है, इसका क्या कारण है? ऑप्शन है उच्च आवृत्ति, उच्च तरंग धैर्य, निम्न आवृत्ति या फिर निम्न तरंग धैर्य। इसका सही आंसर है उच्च आवृत्ति, यानी कि जिसकी ज़्यादा जितनी ज़्यादा उच्च आवृत्ति होगी उसकी आवाज़ उतनी ही पतली होती चली जाती है। जैसे कि अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि एक मच्छर की भिनभिनाहट में और शेर की दहार में किसकी आवृत्ति ज़्यादा है, तो वहाँ पे मच्छर की आवृत्ति ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि मच्छर का आपने साउंड सुना होगा वो एकदम पतला होता है, वो भनसा करते रहता है, लेकिन शेर दहार मारता है। तो जिसका आवृत्ति जितना कम होगा उसकी आवाज़ उतना ही भारी होगा, और जिसकी आवृत्ति जितना अधिक होगा उसकी आवाज़ उतनी ही क्या होती चली जाएगी, तीखी होती जाएगी, पतली होती जाएगी। चलिए आगे देखते हैं, प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है क्षितिज चंद्र नियोगी, कस्तूरी रंगा संथानम, ब्रह्मानंदम रेड्डी या फिर वाई वी रेड्डी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्षितिज चंद्र नियोगी, यानी कि केसी नियोगी। केसी नियोगी इसके प्रथम अध्यक्ष थे। 1951 में 22 नवंबर 1951 में इसकी स्थापना की गई थी। अभी वर्तमान समय में 14वां वित्त आयोग चल रहा है, जिसके अध्यक्ष वाई वी रेड्डी हैं, जो कि 31 मार्च 2020 तक चलेगा, और उसके बाद 1 अप्रैल 2020 से 15वां वित्त आयोग चालू हो जाएगा, जिसके अध्यक्ष एन के सिंह होंगे। चलिए देखते हैं आगे, अगला क्वेश्चन, मंडल कमीशन किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में लागू हुआ था? ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, मनमोहन सिंह और विश्वनाथ प्रताप सिंह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विश्वनाथ प्रताप सिंह, या फिर वीपी सिंह भी आपको मिल सकता है लिखा हुआ। मंडल कमीशन क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आज के समय में जो हम रिजर्वेशन लेते हैं तो ये अलग अलग कैटेगरी में अवेलेबल है। अभी तो सबसे नया तो EWS कैटेगरी है, EWS, उसके अलावा SC, ST, OBC, ये बहुत सारे कैटेगरीज़ में मिलते हैं। तो मंडल कमीशन ने OBC को आरक्षण देने के लिए कहा था, और इन्हें आरक्षण मंडल कमीशन के बाद ही दिया गया था। तो जैसे SC को आरक्षण दिलवाया था किसने, तो ये दिलवाया था भीमराव अंबेडकर ने, उसी तरह से जो OBC कैटेगरी के लोग आते हैं वो मंडल कमीशन के तहत पाते हैं आरक्षण। चलिए देखते हैं आगे, अगला क्वेश्चन, सार्स किससे फैलने वाली बीमारी है? ऑप्शन है जीवाणु, विषाणु, कवक और फोर्थ है जीवाणु और विषाणु दोनों से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये विषाणु, यानी कि वायरस से फैलने वाला रोग है। यहाँ पर आप सार्स देख पा रहे हैं, सार्स का फुल फॉर्म आपसे एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है, जो कि है सेवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, यानी कि ये सांस से रिलेटेड बीमारी है। रेस्पिरेटरी यानी कि ये सांस से होने वाली बीमारी है, सांस से संबंधित बीमारी है। अगला क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन कहे जाते हैं? ऑप्शन है MS स्वामीनाथन, वर्गीज कुरियन, जवाहरलाल नेहरू या नरेंद्र मोदी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा MS स्वामीनाथन। MS स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति के जनक कहे जाते हैं। वर्गीज कुरियन जो हैं ये श्वेत क्रांति के जनक कहे जाते हैं। वहीं विश्व में अगर हम हरित क्रांति के जनक की बात करें तो वो थे नॉर्मन बोरलॉग विश्व में हरित क्रांति के जनक थे। नेक्स्ट है, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? ऑप्शन है पानी से, फसल से, दूध से या रंग से। तो सही आंसर हो जाएगा दूध से, जिसे वर्गीज कुरियन ने शुरू किया था। कहाँ पे? गुजरात के आनंद में, जिसका हम आज अमूल दूध भी आपने सुना होगा। अमूल जो है ये गुजरात के आनंद, उसी समय से ये चला आ रहा है, और यही है जो शुरुआत में जब श्वेत क्रांति आई थी तो आनंद में हुआ था ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखते हैं, अंतिम मुगल शासक कौन था। ऑप्शन है औरंगजेब, अकबर द्वितीय, बहादुर शाह जफर या फिर शाह आलम द्वितीय। इसका सही आंसर हो जाएगा बहादुर शाह जफर, जो कि जब अंग्रेज़ों ने आक्रमण कर दिया था 1857 के बाद, जब सब सत्ता अंग्रेज़ों ने अपने हाथों में ले लिया था, तो ये रंगून चला गया था, रंगून, और अपनी आखिरी समय जो है ये रंगून में ही इसने बिताया था। और उसके बाद तो अंग्रेज़ों ने पूरी तरह से शासन शुरू कर दिया था अपना। मुगल शासकों की बात करें तो सबसे पहले बाबर ने ही मुगल वंश की स्थापना की थी, उसके बाद हुमायूं और अकबर आए थे। कुछ आपको एग्ज़ाम में हो सकता है कि क्वेश्चन पूछ लिए जाएँ कि किस किस मुग़ल बादशाह की समाधि या फिर उसका जो
उसका जो समाधि है वो कहाँ पे है, तो मैं बता देता हूँ, बहादुर शाह जफर तो इसका रंगून में ही है, औरंगजेब जो है इसका दौलताबाद में है। औरंगजेब का समाधि स्थल या फिर स्मारक जो है, मृत्यु स्मारक जो है, वो कहाँ पे है, दौलताबाद में है। काबुल में है बाबर का, काबुल में है बाबर का। उसके बाद हुमायूं का दिल्ली में ही है। उसके अकबर जो है इसका सिकंदराबाद में है। जहांगीर का लाहौर में है और शाहजहां का आगरा में ही है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, डिमांड ड्राफ्ट को क्रॉस क्यों किया जाता है। ऑप्शन है भुगतान बैंक खाते में करने के लिए, भुगतान नगद में करने के लिए, भुगतान ना करने के लिए, या स्वयं के खाते में पैसे जमा करने के लिए। यहाँ पर मैं समझा देता हूँ क्रॉस क्या होता है। तो जब भी ये एक डिमांड ड्राफ्ट है तो साइड में उसे इस तरह से डबल क्रॉस कर दिया जाता है। तो इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है कि इसका जो भुगतान है वो सीधे बैंक खाते में किया जाएगा, कैश वगैरह नहीं, सीधे बैंक खाते में इसका भुगतान किया जाएगा। और एक और क्वेश्चन बनता है कि डिमांड ड्राफ्ट का कितने दिनों के लिए वो इशू होता है, यानी कि उसका लाइफ कितना होता है। तो 3 मंथ्स इसका लाइफ होता है, डिमांड ड्राफ्ट हो या फिर चेक हो, दोनों का ही लाइफ जो है वो 3 मंथ्स होता है, 3 मंथ इशू डेट के साथ, जो उसके ऊपर में यहाँ पे एक डेट भी लिखी होती है, वो जिस तारीख को वो इशू की गई है, तो वो आपको याद रखना है 3 मंथ होता है। आगे देखते हैं, पुष्कर का मेला कहाँ लगता है। ऑप्शन है अजमेर, बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर। इसका सही आंसर हो जाएगा अजमेर में, अजमेर राजस्थान में ये लगता है। आगे देखते हैं, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी। ऑप्शन है मलेशिया, सिंगापुर, जापान और चीन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिंगापुर में। इसका स्थापना सिंगापुर में किसने करी थी, रास बिहारी बोस ने करी थी। किसने करी थी, रास बिहारी बोस ने। बहुत से लोग इसमें ये कन्फ्यूज रहते हैं सुभाष चंद्र बोस, तो सुभाष चंद्र बोस ने इसकी स्थापना नहीं की थी, सुभाष चंद्र बोस इसके सर्वोच्च कमांडर थे, ये भी याद रखना है। स्थापना रास बिहारी बोस ने करी थी और सुभाष चंद्र बोस इसके सर्वोच्च कमांडर थे। नेक्स्ट है, लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थल का क्या नाम है। ऑप्शन है शक्ति स्थल, शांति स्थल, विजय घाट या शक्ति घाट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विजय घाट। लाल बहादुर शास्त्री के का जो समाधि स्थल है उसे हम विजय घाट कहते हैं। कुछ और राजनेता हैं जिनकी समाधि स्थल, कुछ और महापुरुष हैं जिनके समाधि स्थल आपसे पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले तो महात्मा गांधी बहुत बार रिपीटेड है, इनका राजघाट है। इंदिरा गांधी की का जो है वो है शक्ति स्थल, शक्ति स्थल उन्हीं का है। जगजीवन राम है, उनका है समता स्थल। जवाहरलाल नेहरू का शांति स्थल है, शांति वन है, स्थल नहीं शांति वन। यहाँ पे स्थल हटा के अगर हम वन कर देंगे तो वो जवाहरलाल नेहरू का हो जाएगा। उसके अलावा लाल बहादुर शास्त्री तो है ही विजय घाट, राजीव गांधी जो थे इनका समाधि स्थल है वीरभूमि, मोरारजी देसाई थे उनका समाधि स्थल है अभय घाट। अभी सबसे नए जो अटल बिहारी वाजपेयी की मृत्यु हुई है, ये आपसे बहुत बार रिपीट किया जाएगा, सदैव अटल, सदैव अटल इनका समाधि स्थल का नाम है। आपसे एक पूछा जा सकता है कि चौधरी चरण सिंह का समाधि स्थल, तो उनका है किसान घाट, और उन्हीं के जो जन्मदिन है उसी के दिन पे हम मनाते हैं, किसान दिवस भी मनाते हैं, राष्ट्रीय किसान दिवस। बीआर अंबेडकर यानी कि भीमराव अंबेडकर का जो समाधि स्थल है उसे हम चैत्रा भूमि के नाम से जानते हैं, चैत्रा भूमि। भारत के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद की जो समाधि स्थल है उसे महाप्रयाण घाट कहा जाता है। केआर नारायणन जो कि भारत के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं, उनकी समाधि स्थल को हम उदय भूमि कहते हैं। तो ये सब याद रखें, एग्ज़ाम में ये पूछ लिए जाते हैं। आगे देखते हैं, स्वेज नहर किसे जोड़ती है, स्वेज नहर किसे जोड़ती है। ऑप्शन है लाल सागर और भूमध्य सागर को, कील सागर और बाल्टिक सागर को, लाल सागर और अरब सागर को, या जापान सागर और प्रशांत महासागर को। तो सही आंसर हो जाएगा लाल सागर और भूमध्य सागर को। स्वेज नहर जो है ये कहाँ पे है, तो ये मिस्र में है ये, और इसकी जो निर्माण शुरू हुई थी 1859 में, 10 साल लगे थे बनाने में, 1869 में ये बनके तैयार हो गया था। तो उस समय ये मिस्र का नहीं था, बाहरी लोगों ने इसमें, दूसरे देश के लोगों ने इसमें पैसा लगाया था, और बाद में 1956 में मिस्र ने इसे ख़रीद लिया था, यानी कि इसको नेशनलाइज कर लिया था, और उसके बाद ये मिस्र की प्रॉपर्टी हो गई थी। नेक्स्ट है, मसालों की रानी किसे कहा जाता है। मसालों की रानी
किसे कहा जाता है? ऑप्शन है लौंग, इलायची, बड़ी इलायची या फिर जायफल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इलायची, सही आंसर हो जाएगा इलायची को मसालों की रानी कहा जाता है। नेक्स्ट है, नाजीवाद के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन है मुसोलिनी, हिटलर, सिकंदर या फिर अकबर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हिटलर। हिटलर हिटलर का जो जन्म है बहुत कंफ्यूजिंग है, क्योंकि ये रिलेट तो जर्मनी से करता है, लेकिन हिटलर का जन्म जर्मनी में नहीं हुआ था। एग्ज़ाम में बहुत बार पूछ लिया जाता है, इसका जन्म ऑस्ट्रिया में हुआ था। ऑस्ट्रिया में, ऑस्ट्रिया में कब हुआ था? 20 अप्रैल 1889 को हुआ था, और इसकी डेथ हुई थी जर्मनी के बर्लिन में। ये आपको याद रखना है। और हिटलर जो है इसे हम फ्यूहरर के नाम से भी जानते हैं, फ्यूहरर इसका उपनाम है। और इसने एक अपना जीवनी लिखा था जिसे मीन कैम्फ यानी कि जिसे हम हिंदी में अगर पढ़ें तो मेरा संघर्ष, ये इसकी एक जीवनी है जो कि एग्ज़ाम में काफ़ी रिपीट किया जाता है। नेक्स्ट है, दीन इलाही धर्म किसने चलाया था? ऑप्शन है अकबर, बाबर, शाहजहाँ या फिर जहांगीर। तो ये चलाया था अकबर ने। और एक और क्वेश्चन बनता है कि दीन इलाही धर्म अपनाने वाला पहला हिंदू कौन था? तो वो था बीरबल, बीरबल था। आगे देखते हैं, पर्वत एवं पहाड़ के बीच की भूमि को क्या कहते हैं? पर्वत एवं पहाड़ के बीच की भूमि को क्या कहते हैं? ऑप्शन है दर्रा, घाटी, पठार या फिर खाई। तो यह कहते हैं हम घाटी, पर्वत और पहाड़ के बीच की भूमि घाटी कहलाती है। नेक्स्ट देखते हैं, मानचित्र में पर्वत और पहाड़ को किस रंग से दर्शाया जाता है? ऑप्शन है हरा रंग, लाल रंग, भूरा रंग या फिर सफ़ेद रंग। तो ये लाल रंग से दिखाया जाता है, पर्वत और पहाड़ को रेड कलर से डोनेट किया जाता है मानचित्र में। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है 1880, 1885, 1900 या फिर 1911 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1885 में। और उस समय जो भारत के वायसराय थे, गवर्नर जनरल थे, लॉर्ड डफरिन। और उस समय जो इसकी स्थापना करी थी ए ओ ह्यूम ने करी थी, और पहले इसके अध्यक्ष बने थे व्योमेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी। वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? राहुल गांधी हैं। चलिए देखते हैं आगे, अगला क्वेश्चन, लाल त्रिकोण का संबंध किससे है? लाल त्रिकोण यानी कि इस तरह से एक रेड कलर का होता है ये पूरे भरा हुआ, तो इसका संबंध किससे है? ऑप्शन है खतरे से, परिवार कल्याण से, सड़क संकेत से या आपातकालीन संकेत से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा परिवार कल्याण से। इसका अर्थ होता है हम दो हमारे दो, इसका एक मतलब भी होता है लाल त्रिकोण का, ये परिवार कल्याण से रिलेट करता है। आगे देखते हैं, मानचित्र पर समुद्र से समान ऊंचाई एवं आकार वाले स्थानों को कौन सी रेखा दर्शाती है? ऑप्शन है कंटूर रेखा, समदिक्पाती रेखा, आइसोबार रेखा या फिर आइसोहाइप्स रेखा। क्या सही आंसर हो जाएगा? कंटूर रेखा। कंटूर रेखा जो है ये क्या दर्शाती है? समुद्र तल से समान ऊंचाई एवं आकार वाले स्थानों को दर्शाती है। वहीं अगर हम समदिक्पाती रेखा की बात करें तो यह जो है मानचित्र पर एक समान चुंबकीय जो विस्थापन होता है उसको दर्शाती है। और अगर हम आइसो बार की बात करें तो यह एक समान वायुदाब दिखाता है मानचित्र पर। चलिए देखते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, खुदाई खिदमतगार की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है मौलाना अब्दुल कलाम, खान अब्दुल गफ्फार खान, चौधरी रहमत अली या फिर लियाकत अली। तो इसकी स्थापना करी थी खान अब्दुल गफ्फार खान ने 1929 में। और ऐसा कहा जाता है कि लाल कुर्ती आंदोलन जो शुरू हुआ था उसका इंडियन वर्जन इन्होंने किया था खुदाई खिदमतगार। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन कि दलबदल कानून किस वर्ष पारित किया गया था? दलबदल कानून किस वर्ष पारित किया गया था? ऑप्शन है 1950, 1985, 1947 या फिर 1991। इसका सही आंसर है 1985, जो कि अभी वर्तमान में 10वीं अनुसूची के अंतर्गत आती है, 10वीं अनुसूची के। और इसके लिए 51वां संविधान संशोधन भी किया गया था, संविधान में 51वां संशोधन किया गया था 1985 में। नेक्स्ट है, स्पेक्ट्रम में सबसे ऊपर कौन सा रंग होता है? स्पेक्ट्रम में सबसे ऊपर कौन सा रंग होता है? ऑप्शन है हरा, बैंगनी, लाल या फिर
पीला, तो इसका सही आंसर हो जाएगा लाल। वहीं अगर पूछे कि सबसे नीचे कौन सा रंग होता है तो वो हो जाएगा बैगनी, और एक और बनता है कि बीच में कौन सा रंग होता है तो वो होता है हरा। सबसे ऊपर हो गया लाल, सबसे नीचे हो गया बैगनी, और बीच में होता है हरा। ये मैंने लिख दिया है, ये ऊपर याद रखें आप। चलो देखते हैं आगे। जो हम बेजानी पिनाला करते हैं, बेजानी पिनाला, वो बी नीचे से शुरू होता है और ऊपर जाता है। नेक्स्ट है, दूध की शुद्धता मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? ऑप्शन है बैरोमीटर, मिल्कोमीटर, लैक्टोमीटर या फिर रिक्टोमीटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लैक्टोमीटर, लैक्टोमीटर। और इसको मिस्टर डिकास ने इसका खोज किया था, डिकास, मिस्टर डिकास ने इसका खोज किया था। नेक्स्ट देखते हैं, निकट दृष्टि दोष किस लेंस का प्रयोग करना चाहिए? निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग करना चाहिए? ऑप्शन है उत्तल लेंस, अवतल लेंस, बाइफोकल लेंस या फिर बेलनाकार लेंस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि निकट दृष्टि दोष में हमें अवतल लेंस का खोज प्रयोग करना चाहिए। निकट दृष्टि दोष में दूर की चीज़ें साफ नज़र नहीं आती हैं, दूर की चीज़ें साफ नहीं नज़र आती हैं। और एक होता है दूर दृष्टि दोष, जिसमें हम उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, जिसमें सामने की चीज़ें हमें स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। एक होता है बाइफोकल लेंस, या फिर इसे हम द्विफोकसी लेंस भी कहते हैं, जो हम प्रयोग करते हैं जरा दूरदृष्टि में, प्रेस बायोपिया में। वहीं बेलनाकार लेंस का प्रयोग अबिंदुकता की टाइम में किया जाता है, ये आप ध्यान रखें। तो दोस्तों यही हो गए आज के आपके सामने अप्रॉक्स 50 क्वेश्चन। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दें ताकि वो भी इस नॉलेज को इन्हेंस कर सकें। आप हमारे वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं, वहाँ भी आपको ये क्वेश्चन मिलेंगे सभी डिटेल्स के साथ। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलूँगा मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए लेता हूँ आपसे विदा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।